क्यों खुद को हलकान कर रही हो? खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारी खुशियां नजर होने से बच गई हैं। शहजाद, मेरी किस्मत में क्यों ऐसी मां लिखी थी? इतनी खुदगर्ज मां किसकी होती है ऐसी मां शहजाद? सायरा आंटी एक इंसान भी तो है ना। हाँ, एक ऐसी इंसान जो जिसमें ममता कम और लालच ज्यादा है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ये बात, पर मैं ये भी जानती हूँ कि अम्मी मेरे और हानिया से इसलिए खफा है क्योंकि हमने उनको विरासत के बारे में नहीं बताया। जब उनको अब्बू की ग्रेच्युटी मिली तो उन्होंने कभी एक बार भी हमारे पे एक पैसा तक नहीं लगाया। पूरा बचपन गुजर गया शहजाद, अम्मी ने कभी हमें कुछ नहीं दिया। और अम्मी ने जब अब्बू का दिया हुआ घर बेचा तो उसमें से भी हमें एक पाई तक नहीं दी, इतनी लालची है वो। तुम जानती हो उस मकान के फरोख से सारा आंटी ने बहुत रकम समेटी थी मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा, रहने तो छोड़ो। कैसे पूछूं शहजाद, अम्मी से ज्यादा अच्छे तो सलीम अंकल है। हमारे बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उस गिफ्ट में से हम अपने ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। वो सिर्फ हमारी औलाद की अमानत है और हम उसी पे खर्च करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ।